सतारगंज में धनतेरस पर खूब धन वर्षा हुई। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग से बाजार में व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ। धनतेरस व दीपावली पर्व के लिए बाजार सुबह से ही सज चुके थे, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद लोग घरों से खरीदारी के लिए निकले। वहीं सुबह से ही दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते हुए थक गए, लेकिन 2 बजे के बाद बाजार में तांता लगा। वहीं सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में प्रत्येक वर्ष की भांति घरों को सजवाने के लिए सामान की दुकानें लगाई गई थी। सर्वाधिक भीड़ रामलीला मैदान में ही देखी गई। इसके अलावा नगर के विभिन्न स्थानों में खिले खिलौने की दुकानें भी लगी थी। मिठाइयों की हो रही बिक्री से दुकानदारों के चेहरे खिले। ड्राई फ्रूट व पैक मिठाइयां भी काफी अधिक बिकी हैं। लाडू बनी हुई बिक्री है नहीं बिल्कुल भी, और ज़्यादातर जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं मिट्टी के दिए खरीदो, चाइनीज आइटम बंद करो, चाइनीज मत जलाओ, चाइनीज की बहिष्कार करो, तो चाइनीज आइटम का ज़्यादा हो रहा है। मिट्टी के दिए नहीं ले रहे हैं, जो मिट्टी के दीपावली के शुभ दीपे होते हैं, दिवाली पे जो है शुभ दीपे माने जाते हैं। दिवाली जो होती है वो मिट्टी के दीपों की ही होती है, और बाकी जो है आजकल जो है झालर लगा रहे हैं, मोमबत्ती लगा रहे हैं, चाइनीज आइटमों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मिट्टी के दीपों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं इस बात के लिए कि नाम ले चाइनीज आइटम का बहिष्कार करा जाए, और देसी आइटम जो है मिट्टी का जो हमारा कुम्हारों का जो काम है, ये साल का काम है, जो इस पे जो है बहुत कम आदमी ध्यान दे रहा है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान व बर्तनों की दुकानों में भी भीड़भाड़ देखी गई। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी पटाखे की दुकान इंटर कॉलेज के मैदान में सज रही थी। दीपावली को लेकर दुकानदारों में विशेष उत्साह है। 2 वर्षों तक कोरोना काल व बीते दिनों उत्तराखंड में आई भीषण तबाही से बाजार को काफी नुकसान हुआ, लेकिन धनतेरस में ये नुकसान की भरपाई हुई है। वहीं वाहन शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भीड़ रही। बर्तनों की दुकानों में सबसे अधिक भीड़ रही। वहीं ज्वेलर्स की दुकानों में भी ग्राहक उमड़े। मोबाइल खरीदने के लिए कंपनियों व दुकानदारों ने आकर्षण स्कीम निकाली है। यहां भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी। शोरूमों में भी स्कीम निकाली गई। ऑनलाइन से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए विशेष छूट स्कीम निकाले जाने का असर बाजार में दिख रहा था। धनतेरस के अवसर पर हम सितारगंज की बाजार में निकले हैं। यहाँ बाजार में व्यापारियों से हमने प्रतिक्रिया ली कि बाजार की स्थिति क्या है, तो कुछ लोगों का, कुछ व्यापारियों का कहना है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से व्यापारी की कमर तोड़ के रख दी है। व्यापारी को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग बाजार नहीं आ सकते हैं या बाजार नहीं आना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से उनके घरों में ही वो प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, तो वो बाजार क्यों आएंगे। और दूसरी बात, बाजार में कुछ ज़्यादा दाम होते हैं, और जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें दाम भी थोड़े कम होते हैं। और दूसरी तरफ देखूं तो कुछ बाजार में हम जब निकले तो व्यापारियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। कुछ लोगों ने कहा कि बाजार अच्छा चल रहा है, लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि 2 वर्ष कोविड के बाद और अभी जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग की। उसके बाद कुछ लोगों से हमने बात करी तो वो कह रहे हैं कि चाइनीज आइटम आज भी, हालांकि सरकारें बड़े बड़े वादे करती है कि चाइनीज जो भी प्रोडक्ट हैं उसको कम खरीदा जाए, लेकिन इसका उल्टा बाजार में देखा जा रहा है। ऐसे में एक व्यापारी है, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है बाजार की। तो बाजार की इस वक्त क्या है? बाजार की समय स्थिति तो सर बिल्कुल बेकार है, ना मात्र है। जिस समय कोरोना के बाद में ये दोबारा बाजार लगे हैं, टाइम पर बहुत ही भीड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी सेल है ये दुकानदारों, मगर अब भी दुकानदार हाथ में हाथ लगा बेचारा, क्योंकि ऑनलाइन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान तो ले गया, क्योंकि आपको हर चीज़ जो बैठे मिल रही है तो मार जाएगा और पैसे चीज़ खरीदेगा। दूसरा रही कि जो अभी आपदा जो है, किसान का बहुत ज़्यादा धन हुआ है, ये फसलें भी तो पेमेंट नहीं मिल, उससे और रौनक हल्की बढ़ी। जैसा कि अधिकांश व्यापारियों ने व्यापारियों से शनिवार से बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी। दुकानदारों के अनुसार इस बार दीपावली देरी से होने से बाजार मजबूत रहने की उम्मीद है। छोटे व मध्यम किसान अपनी धान की फसल काटकर बेच चुके हैं। फूलों की दुकानें भी सजने लगी हैं। लोगों ने घरों की सफाई का काम पूरा कराकर विद्युत झालरों से घरों को सजाया है। पहले से पिछले साल के मुकाबले इस बार हल्का है, फिर भी कुल ये तो आई है कोविड के बाद, मगर काम में कोई मजेदारी नहीं है, कोई दम नहीं है काम में, क्योंकि आजकल जो चीज़ यहाँ मिल रही है वही ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं। ऑनलाइन में
मार्केट वालों का, व्यापारियों का इतना भट्टा भट्टा रखा जिसका कोई जवाब नहीं। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो वो ऑनलाइन द्वारा है। हर चीज़ तो ऑनलाइन घर पर प्राप्त हो जाती है, इसकी वजह से मार्केट में कोई इतनी रौनक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दुकानदार साहब अपने अपने खाली बैठे हैं। क्या ठीक है, बाजार की स्थिति ठीक है? कोविड का झटका झेलने के बाद भी फिर भी कस्टमर आ रहा है जा रहा है, और हाँ जी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, बाजार में रौनक है। व्यवसाय तो सभी का चलता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ग्राहक तो सभी जगह काम करता है। जिसे ऑनलाइन मंगाना होगा वो ऑनलाइन मंगाएगा, जिसे बाजार से लेना होगा वो बाजार से लेगा। बाजार की तो स्थिति बहुत अच्छी है, दिन पर दिन बाजार में ग्रोथ हो रहा है, मार्केट में लोग सामान खरीद रहे हैं, और लोगों ने गब्बा उड़ा रखी है कि ऑनलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकली खुदरे की बिक्री वैसे ही चल रही है। बाजार में खूब भीड़ है, और जो भी सरकार उनको फैसिलिटीज दे रही है वो बहुत बढ़िया, सबका समय से बोनस आ गया, सबको समय से सैलरी मिल रही है, और इस बीजेपी की सरकार ने तो साहब बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं। आप जिधर देखिए सब रौनक रौनक है चारों तरफ। हम लोगों का जो एजेंसी का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बहुत ही अपग्रेड हुई है, हर जगह से बिक्री का इजाफा हुआ है, और हमारे देशवासियों को सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और इसी शुभकामना से अच्छी दीपावली में खरीदारी और अपना अपने त्यौहार को मनाएं और खूब खुशहाली। फर्क तो बहुत पड़ा है मार्केट में, लोगों को निकल के आना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन मोड भी यूज़ करना चाहिए लोगों को। मार्केट में निकल के आएंगे तभी रौनक बढ़ेगी मार्केट में, वरना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं आजकल चीज़ों को। ऑफलाइन भी शॉपिंग करनी चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल है ऑफलाइन, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ परचेज कर लो। कई दिन में सस्ता कुछ नहीं है, बस आजकल लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं है उन्हें, हर चीज़ फुट स्टेप पे चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप प्राइस की बात करो तो मैं ये मानता हूँ कि ऑफलाइन अगर बंदा ट्राई करेगा तो उसको कहीं ना कहीं सस्ता ही मिलेगा, ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा, बस कस्टमर को ट्राई करना पड़ेगा, और वो कस्टमर ट्राई नहीं करना चाहता, हर बंदे को अपने घर पर ही चाहिए सब कुछ चाहिए और कुछ नहीं। वैसे तो सितारगंज एक छोटा सा शहर है, लेकिन ये रोज नए सपने बुनता है। आइए मिलकर सितारगंज को बनाए खुशहाल। सितारगंज टीवी, आपकी अपनी आवाज़।